में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इस्तीफा दिया है उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से हाथ धोकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, एमएसपी देगी, एमएसपी के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीले लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीज़ों का इंतजाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती हैं, आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से 2 नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को एमएसपी दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। अध्यक्ष जी कल पल्लवी पटेल ने कहा है कि पीडीए ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए क्या पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या पीडीए का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है, तो ये पीडीए की लड़ाई कहां कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो वोटिंग करने से मना कर दिया, वोट नहीं करेंगे। देखिए पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ ही होगा।